ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर के बाल स्कूल खेल मैदान में खेल विभाग की कारगुजारी के चलते खिलाड़ियों की सुबह शाम की प्रैक्टिस बाधित हो रही है। खेल मैदान के गेट पर सुबह 10 बजे तक ताला लगा रहने से खिलाड़ी सुबह के समय अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। खेल मैदान में ताले लगे होने के कारण खिलाड़ियों को हर दिन सुबह परेशानी होती है और मायूस होकर वापस लौटना पड़ रहा है। हमीरपुर के बाल स्कूल खेल मैदान में खेल विभाग की कारगुजारी के चलते खिलाड़ियों की सुबह शाम की प्रैक्टिस बाधित हो रही है। खेल मैदान के गेट पर सुबह 10 बजे तक ताला लगा रहने से खिलाड़ी सुबह के समय अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। खेल मैदान में ताले लगे होने के कारण खिलाड़ियों को हर दिन परेशानी होती है और मायूस होकर वापस लौटना पड़ रहा है। खिलाड़ियों ने खेल विभाग पर जानबूझकर खेल प्रैक्टिस में बाधा डालने की बात कही है। वहीं खेल विभाग भी पर्याप्त स्टाफ न होने का रोना रो रहा है, जिसका खमियाजा खिलाड़ियों को उठाना पड़ रहा है। खिलाड़ियों का कहना है कि सुबह 7:30 बजे से मैदान को खोला जाता था, लेकिन कुछ समय से खेल मैदान के गेट को 10 बजे तक खोला जा रहा है, जिस कारण प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। उन्होंने बताया कि कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करने के बिना ही वापस लौटना पड़ रहा है। खिलाड़ियों का कहना है कि आगामी दिनों में सीनियर नेशनल गेम्स होने वाले हैं, लेकिन प्रैक्टिस के बिना खेलों में बेहतर परिणाम लाना असंभव है। खिलाड़ियों का कहना है कि इस बात पर डीसी हमीरपुर से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक समस्या बरकरार है और खेल मैदान का गेट 10 बजे ही खुल रहा है और शाम को भी गेट 5 बजे के बाद खुल रहा है, जिस कारण खिलाड़ियों की प्रैक्टिस पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। उन्होंने मांग की है कि खेल मैदान की टाइमिंग को बदला जाए। क्योंकि यहाँ पे जो ग्राउंड मैन थे उनको पीएन लगा दिया है और हमारे पास ग्राउंड मैन एक ही थे, तो हम सुबह आते हैं 7 बजे, तो उस टाइम के लिए ग्राउंड बंद होता है 9 बजे को, तो 7 से 10 तक हमारी टाइमिंग है प्रैक्टिस करने की, इसलिए हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें तो यही है कि हमें ग्राउंड मैन मिलना चाहिए जल्दी से जल्दी, ताकि हम अपनी आगे के नेशनल के लिए अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। मेरा नेशनल हो चुका है, मैं कोलकाता गया हूँ। मैं सर, ये बहुत दिक्कत आ रही है ग्राउंड में, क्योंकि हम इतने दूर से आते हैं, 3D से आते हैं, 5:30 बजे घर से चलते हैं, तो हमें फिर इधर खेलने का मौका ही मिले तो फिर हम इतने दूर से आने का कोई फ़ायदा नहीं होता, तो इसलिए हमें 7 से 8 बजे ग्राउंड होना चाहिए। 7:30 से 8:30 9 बजे तक होती है सर यहाँ पर। और मेरा नाम सुभाष ठाकुर है, मैं इस बार इंटर यूनिवर्सिटी खेल के आया हूँ। अभी तो सर 3 से 5 बजे 5:30 मेरे सेट और अच्छा सिखाते हैं यहाँ पे। यह है कि पहले जो ग्राउंड जो 6 बजे खुल जाता था, तो जो स्कूल के बच्चे हैं वो सुबह प्रैक्टिस कर लेते थे, उनको 9 बजे स्कूल जाना होता, तो उससे पहले पहले प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद स्कूल की टाइमिंग है। तो पहले तो रेगुलर 6 बजे खुल जाता था, अब जो है 10 बजे ग्राउंड खुल रहा है, उससे जो बच्चे हैं उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और हम ऊपर DC साहब के पास भी गए थे मिलने उनसे, तो उन्होंने बोला कि इसका हल हो जाएगा, तो अभी उसका कोई हल नहीं हुआ। पहले 7:30 से 9:30 मतलब लगता था, तो क्या बोलते हमारा ग्राउंड जो है वो अब टाइमिंग चेंज कर दिया, जो 10 से अभी 5 तक बजे शुरू हो रहा है। हमारा जो हम कपड़े चेंज करते हैं ऊपर रूम में, वो रूम हमारा बंद है, तो हमें सुबह कपड़े चेंज करने में बहुत मुश्किल होती है। हम लोगों ने इन्हें कॉल की थी, तो उन्होंने बताया कि हाँ ग्राउंड जो है 10 से 5 ही खुला करेगा, तो हम लोग सुबह 7:30 से 9:30 यहाँ पे आते हैं, तो हमें बहुत दिक्कत आ रही है यहाँ पे चेंज करने के लिए। जहाँ कि हमारा ऊपर रूम है उसमें मैट रख दी गई है, तो हम चेंज कब करेंगे और कैसे यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। और शाम को तो खुल ही जाता है ग्राउंड, पर वही है सुबह की दिक्कत है हमें यहाँ पे आने के लिए। कि हमारा ग्राउंड 7:30 से 9:30 बजे हो जाए, क्योंकि 9:30 बजे बाद हमारी क्लासेज होती हैं, तब हम अपने टाइम से निकल जाते हैं। हमारे टूर्नामेंट है, उसी ने नेशनल वगैरह है, तो उसकी हम तैयारी करें, तो अब ये बोल रहे हैं कि 3 मंथ का वेट करो आप, तो 3 मंथ में हमारा टूर्नामेंट हो जाएगा, तो हमारा क्या फ़ायदा होगा। हम सुबह 7:30 बजे इधर आ रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, हमारा गेट सारा बंद है, ऊपर से कमरा बंद है, तो हमें मतलब कपड़े चेंज करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। तो हम लड़कियाँ हैं, तो लड़कियों को तो कमरा चाहिए होता है कपड़े चेंज करने के लिए। कोच पूर्णचंद कटोच ने बताया कि कुछ दिनों से खेल विभाग में स्टाफ की समस्या के चलते खेल मैदान को खोलने के लिए दिक्कतें बनी हुई हैं, जिस कारण खिलाड़ी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस बारे में विभाग को बताया है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है।